नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्रावस्ती में एक विद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर अध्यापक ने जब छात्र को बेवजह पीटा तो अभिभावक ने इसका विरोध किया, क्योंकि स्कूल में महिला अध्यापक ने छात्र को दूसरे अध्यापक के पास रजिस्टर लेने के लिए भेजा था, जहां पर टीचर ने बेवजह छात्र की पिटाई कर दी, जिससे छात्र को कई गंभीर चोटें आई हैं। सर, हमारे यहाँ जो पीयूष मिश्रा मास्टर साहब हैं, ये आए दिन कभी शिक्षा मित्रों से, कभी प्रधान अध्यापक से, कभी बच्चों से आए दिन खुराफास किया करते हैं। आज के कई महीना पहले हम लोग बेसर साहब से डायरेक्ट मिले। बेसर साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनको हटा देंगे। फिर को ना इनको हटाया गया, ना इनको डांटा फटकारा गया। फिर हम लोग बीओ साहब से कहे, बीओ साहब द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, लिखित मांगा गया, लिखित भी हम लोग दे दिए। और केवल इसी अध्यापक की वजह से आए दिन यहाँ बवाल खुराफास, एक तो खोया खोया बैठा रहता, कभी समझ ना आता है, ना बच्चों को ठीक से पढ़ाता है। अमेठी में एसपी की लाख सख्ती के बावजूद अवैध वसूली पर उतारू हुई जिले की क्राइम ब्रांच। 3 लाख रुपए की अवैध वसूली करने वाले नशे में धुत क्राइम ब्रांच के दोनों सिपाही से ग्रामीणों की हाथापाई हो गई। मामले को बिगड़ता देख क्राइम ब्रांच के दोनों सिपाही मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो ग्रामीणों द्वारा बनाकर वायरल कर दिया गया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से पूरे देश में बवाल छिड़ गया। देश भर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विरोध कर रही है। मुरादाबाद भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में प्रकाश नगर चौराहे पर सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध किया गया। आज हमारे यहाँ पे जो सदन की बैठक चल रही थी, लोकसभा सदन की, उसमें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो नवनियुक्त भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके विरोध में बहुत अपशब्द बोले गए, उनको अशोभनीय बताया। और अधीर रंजन जी ने उनको कहा कि वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपत्नी हैं, जो जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारे भारत में सदैव आधी आबादी को, नारी को पूजनीय माना गया है, और ऐसी पूजनीय स्थिति में कोई भी यदि आधी आबादी में महामहिम के लिए अगर अशुभ शब्द बोलता है, शोभनीय वर्ड बोलता है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और उसी के विषय में हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग रहेगी? अधीर रंजन माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, हमारी मांग सिर्फ इतनी है। जौनपुर में कावड़ यात्रा में शिव भक्तों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो, इसके लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी की तरफ से शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किया गया है। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की तारीफ हर कोई कर रहा है। ताजा मामला शाहगंज क्षेत्र का, जहाँ सोनू नाम का शिव भक्त वाराणसी में बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करने के घर से लेकर जल निकला था, तभी रास्ते में शिव भक्त पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। पागल कुत्ते के काटने से शिव भक्त घायल हो गया। उसके अन्य साथियों ने शिव भक्तों को उपचार के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर पहुंचे। शिव भक्त सोनू के साथ हुई घटना की जानकारी जैसे ही अस्पताल के अधीक्षक रफीक फारूकू की हुई, तो तत्काल अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात जिम्मेदार लोगों को आदेश दिया और स्वास्थ्य विभाग के लोग शिव भक्त के उपचार में जुट गए हैं। हमारे अस्पताल में जो भी कांवड़ भाई यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतजाम है। इन शिव भक्तों के लिए हमने अलग से जो है एक वार्ड की व्यवस्था की हुई है। समस्त आकस्मिक दवाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन हमें जो है सही समय पर सूचना देने की आवश्यकता है। जो भी कैजुअल्टी होती है, फौरन 108-102 के माध्यम से हमको सूचित करते हुए लेकर के आ जाएं। बिजनौर में नगर पालिका परिषद अध्यक्षा के आवास पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जन समस्या की शिकायत लेकर पहुंचे थे शिकायतकर्ता, दोनों पक्ष में हुई जमकर मारपीट, वीडियो भी वायरल हुआ है। नगर पालिका परिषद चांदपुर अध्यक्षा के आवास का एक पूरा मामला। श्रावस्ती में नाबालिग लड़की को भगाने का मामला सामने आया है। परिजन अधिकारियों के चौकट पर चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। लड़की बरामदगी और मजिस्ट्रेट बयान के बाद आरोपियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी, डीआईजी और मुख्यमंत्री से पीड़ित परिजन लगा चुके हैं गुहार। पीड़ित परिवार को सुलह करने का आरोपी लगातार धमकी दे रहे हैं। गिलौला थाना अंतर्गत भिटौरा राम सहाय का एक पूरा मामला।
अलीगढ़ में बंदरों के आतंक से हर कोई परेशान है, मगर प्रशासन के इस ओर कोई ध्यान नहीं है। बंदरों के आतंक से परेशान शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज प्रांगण में बंदरों को डराने के लिए लंगूर के फोटो और एक लंगूर भी कॉलेज प्रांगण में रख रखा है। लंगूर पर हर महीने लगभग 9,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। अब तक लगभग कॉलेज आने वाले दर्जनों छात्र और छात्राओं पर बंदर हमला कर चुके हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बंदरों के आतंक को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य ने नगर निगम को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई। दरअसल एक पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र में स्थित धर्म आज महाविद्यालय का है। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। अमेठी से ड्यूटी कर बाइक से घर जा रहे होमगार राम सजीवन सिंह की सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकराने से गंभीर रूप से वो घायल हो गए। जिला अस्पताल सुल्तानपुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह लगभग 4 बजे पीपलपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुरी अमेठी रोड पर श्री आसल देव इंटर कॉलेज के सामने दुर्घटना हुई है। मृतक होमगार्ड राम सजीवन गाँव पीपलपुर थाना पीपलपुर जनपद अमेठी के निवासी थे। आगरा में ही नहीं, देश से ही नहीं, विदेशों से भी ताजमहल के दीदार के लिए लोग पहुंचते हैं। इस कारण आगरा में निगरानी करना बहुत आवश्यक है। कोविड-19 के दौरान भी आगरा विदेश यात्रा से लौटे व्यापारियों ने इस महामारी को फैलाया था। अब एक बार फिर मंकी पॉक्स के कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंकी पॉक्स को लेकर यात्रा कर रहे यात्रियों की बारीकी से जाँच की और इसके साथ साथ लोगों को इस बीमारी से बचने के लिए उपाय भी बताए। एसएन मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की अगर तैयारियों की बात की जाए तो 2 एसएन मेडिकल कॉलेज में युद्ध स्तर पर इस बीमारी से लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माँ शाकुंभरी सिद्धपीठ सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन क्या किसी प्रकार की अनहोनी हो जाए इसकी प्रतीक्षा में है। बता दें कि स्वामी सुदर्शन चक्र जी महाराज भक्तों के साथ पूज्य सहजानंद ब्रह्मचारी जी महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी करने आए थे कि अचानक तेज बहाव में पानी आ गया, जिससे मुश्किल से सबने किसी तरह अपनी जान बचाई। पहले भी बेहद प्रशासन से भक्तों ने मांग की थी कि मां के भवन से पहले रक्तदंतिका मां के मंदिर पर चौकी स्थापित हो, जिससे तेज आने वाले पानी की सूचना समय से प्राप्त हो सके, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो जिससे किसी की जान माल को खतरा हो। लेकिन जिला प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद से जागकर नहीं उठा है। इससे पहले भी अनेक वाहन और भक्त तेज बहाव में आकर बह चुके हैं। बलरामपुर में जिलाधिकारी का स्थानांतरण हुआ है। सुश्री श्रुति को फतेहपुर का जिलाधिकारी बनाया गया। सीडीओ कानपुर नगर डॉक्टर महेंद्र कुमार को बलरामपुर जिलाधिकारी बनाया गया है। पति पत्नी में मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद महिला ने जान दे दी। सीएससी अतरौला में नर्स के पद पर कार्यरत थी। मृतका गोरखपुर की रहने वाली थी। अतरौला के गांधीनगर के किराए के घर में पति पत्नी रहते थे। मामूली विवाद पर पति घर छोड़कर चला गया। कोतवाली अतरौला के गांधीनगर की घटना बताई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल पिठानी के बथेड़ गांव में शाम को मां के सामने ही 3 बहनों के इकलौते भाई 5 वर्षीय मासूम को घात लगाकर बैठा गुलदार उठा ले गया। मां के सामने ही इस घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। घटना कल शाम लगभग 8 बजे की बताई जा रही है। बथेड़ गांव के ध्यान सिंह का पोता लाल सिंह का इकलौता पुत्र था। 5 वर्षीय आर्यन रावत अपनी मां के साथ गौशाला में जा रहा था, तभी यह घटना घट गई। सुल्तानपुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली और कलेक्ट्रेट में जिला अस्पताल के आला अधिकारियों के साथ राजस्व और विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी। लगभग आधे घंटे चली समीक्षा बैठक के बाद लंबुआ तहसील स्थित धोपाप धाम के निरीक्षण के लिए निकले मुख्य सचिव। वहां से निरीक्षण के उपरांत वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। लखनऊ के थाना केसरबाग के पास एक दुकान में रोडवेज बस जा घुसी। ड्राइवर डिपो UP 33 AT 3010 बस एक दुकान में जा घुसी। ब्रेक फेल होने के कारण चालक ने दुकान के तरफ बस घुमा दी। खाली बस होने के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। भीड़ को पास आता देख बस चालक मौके से फरार हो गया। थाना केसरबाग के बस अड्डे के पास का एक पूरा मामला।
लखनऊ में राशन की दुकान पर गेहूं न मिलने से महिलाओं का हंगामा चल रहा है। पुराना हैदरगंज के मेहंदीगंज में रंजीत सिंह सेठी दुकानदार द्वारा महिलाओं को सिर्फ चावल दिए जाने से महिलाएं नाराज हैं। महिलाओं ने दुकानदार पर गेहूं बेचने का आरोप लगा दिया और कालाबाजारी करने का आरोप लगाकर महिला हंगामा काटती रही। पुराने लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। मुहर्रम की डिस्ट्रिक्ट दर्जनों बाइक से पुलिस द्वारा रैली निकाली गई। डीसीपी पश्चिमी एस चिनप्पा बाइक चलाकर निकल रहे थे। आपको बता दें कि मुहर्रम और रक्षाबंधन नागपंचमी के त्यौहार को सकुशल और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा लगातार संवेदनशील इलाकों में भ्रमण किया जा रहा है। आगरा में लूट मामले में सीसीटीवी में कैद हुए मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार किया जो कि कंपनी का पूर्व कर्मचारी था। पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी हैं। आपको बता दें कि अधिकतर आरोपी खंदौली क्षेत्र के रहने वाले हैं। पीलीभीत में कारसुनी को लेकर ग्राम विकास अधिकारी की पिटाई हो गई। प्रधान पुत्र ने कार से उतरकर ग्राम विकास अधिकारी को पीटा। ग्राम विकास अधिकारी की तहरीर पर 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ब्लॉक से पीलीभीत जाते समय कार रोककर पिटाई की गई है। अमरिया थाना क्षेत्र के नहर पुल के पास का ये पूरा मामला। अमेठी में मामूली बात को लेकर बेखौफ दबंगों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग महिला और उसके बेटा बेटी पर हमला कर दिया। हमले से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर हो गई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। दबंगों द्वारा बुजुर्ग महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र के निहालगढ़ सैदापट्टी के पूरे भाले गाँव का है। बादा में तानाशाह सीएमएस ने दिव्यांग महिला चिकित्सक को उन्हीं के आवास में कैद कर दिया। तानाशाह संवेदनहीन स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक ने दिव्यांग महिला चिकित्सक स्नेहलता मिश्रा के आवास में बाहर से ताला लगाकर आवास सील कर दिया। अपने आवास में कैद दिव्यांग महिला चिकित्सक घंटों मदद की गुहार लगाती रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेनी में आयुषित चिकित्सक के रूप में तैनात है डॉक्टर स्नेहलता मिश्रा। जानकारी पर देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची सीएमओ। कई घंटों से कैद महिला चिकित्सक को ताला खुलवाकर बाहर निकाला। मामले के आरोपी सीएमएस डॉक्टर लवलेश पटेल विवादों से पुराना नाता रहा है। देर रात पहुंचे सीएमओ ने मामले की जांच कराने की बात कही। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरेनी का है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के गांव परसा में लोगों ने एकजुट होकर मंदिर के सामने जल निगम की पानी की टंकी बनाने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में हर समय माता और काली माता का मंदिर है जहां पर पूरे गांव वाले सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं और यहां पर समय समय पर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि अगर पानी का टंकी मंदिर के सामने ग्राम सभा की जमीन पर बनाए जाते हैं तो पूरे गांव वालों को पानी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो समस्याएं लगातार बनी रहती है वो समस्या भी नहीं आएगी। तो वहीं पूरे गांव वालों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचेगी। यहां पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा क्योंकि जो भूमि ग्राम सभा की छूटी हुई है वो भी नहीं मिल पाएगी। श्रावस्ती में नायब तहसीलदार के विरुद्ध दर्ज हो गया एफआईआर। सहायक चकबंदी अधिकारी से चार अन्य भी आरोपित हैं। जालसाजी सहित कई अन्य मामलों में दर्ज होगा मुकदमा। जमीन को गलत तरीके से आंकने का आरोप है। पेट्रोल पंप लगाने के लिए युवक ने जमीन की हेराफेरी की थी। अधिकारियों ने भी बगैर जांच रिपोर्ट लगा दी थी। मामले की सुनवाई के बाद सीजीएम ने जारी किया आदेश नवीन मॉडर्न थाना अंतर्गत। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।